Hello students, this is Bhumika Sharma from AMB International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to study chapter 9, Light and Shadow of Science. Let's start light and shadow. Now what is shadow? Shadow kya hota hai? Shade or patch of shade. Shade means parchhai ya parchhai ka tukda. Light, the light, the natural thing that make object visible. Light क्या होता है? Natural thing जो हमें object को देखने में help करती है, जिसके through हम object देख पाते हैं. We see things only in light. हम things को तभी देख सकते हैं जब वहाँ पे light हो. We cannot see in the dark. हम dark means अंधेरे में नहीं देख सकते कुछ भी. During the daytime, we get light from the sun. Daytime, दिन के time पे हमें light किससे मिलती है? सन से मिलती है. द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट. सन हमें लाइट लाइट और हीट प्रोवाइड करता है. वी सी थिंग्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम. हम थिंग्स को किसी भी थिंग को तभी देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट पे उस थिंग पे लाइट आ रही हो, लाइट पड़ रही हो. लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट. अब हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखते हैं. लाइट अ कैंडल. आपको एक कैंडल जलानी है. Fix it on the table in a dark room. एक dark room में उसे एक table पर रखना है, fix करना है उस table पर. Place a ball in front of it. Can you see the ball clearly now? और उसके उस lighted candle के सामने आपको एक ball रखना है. Now जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने एक lighted candle रखी है, एक candle को जला के रखा है, उसके just सामने एक ball रखी है. अब आप देख रहे हो जो लाइट आ रही है कैंडल से वो बॉल पे पड़ रही है, और उसके जस्ट पीछे एक पैच फॉर्म हो रहा है, मींस एक उसकी बॉल की परछाई फॉर्म हो रही है. व्हाट एल्स डू यू सी. इसके अलावा आपको और क्या दिख रहा है? अ डार्क पैच ऑन द वॉल. आपको एक डार्क पैच दिख रहा है वॉल पे. दिस इज द शेडो ऑफ द बॉल. और इसी डार्क पैच को हम क्या बोलते हैं? शेडो बोलते हैं. When an object blocks the path of light, a shadow is formed. जब भी कोई object या thing light का रास्ता रोकती है, तभी shadow form होता है. Have you seen your shadow in sun? क्या आपने आपकी shadow sun के time देखी है, means during daytime देखी है? It is longer or it is shorter than you. वो कभी लंबी होती है और कभी छोटी होती है. Go in an open ground. आप एक open ground में जाओ. Watch your shadow at different times of the day. और आपकी shadow watch करो, आपकी shadow देखो different different time में. जैसे कि जब morning और evening का time होता है तो आपकी shadow लंबी होती है, और अगर जब sun एकदम आपके head पे होता है तो जो आपकी shadow बनती है वो short बनती है. Now see in this picture, ये morning का time है, तो अब morning के time पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी shadow है वो longer है, वो लंबी बन रही है, और इवनिंग के टाइम पे भी जो आपकी शेडो है वो लंबी बन रही है. और जैसे कि आप देख सकते हो जो डे टाइम है जब सन एकदम आपके हेड के ऊपर है, तो जो आपकी शेडो बन रही है वो शॉर्ट बन रही है. नाउ यू विल फाइंड दैट योर शेडो इज लॉन्गर देन यू ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग. आप देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में समझाया कि मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे जो आपकी शेडो होती है वो लंबी बनती है. योर शेडो इज शॉर्टेस्ट व्हेन द सन इज ओवरहेड. और जब सन आपके हेड के जस्ट ऊपर होता है तब आपकी जो शेडो है वो शॉर्ट बनती है. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर. थैंक यू.